हमारी छोटी है सिरसा से ही आप लोगों से रिकार्ड और वोटों से जीती हुई, लेकिन पूरे हल्के ने कभी इतना आशीर्वाद किसी को नहीं दिया जो इस चुनाव में उन्हें मिला। बहन सुनीता दुंगल जी हमारे मेरे बहुत सबसे करीबी साथी, 33 साल के राजनीतिक जीवन में भी इतनी मेरी किसी से दोस्त नहीं रही जो छोटे भाई की तरह, जो दुगाराम जी जो फतेहाबाद से हमारे विधायक है सब जानते हैं उन्हें। मंच पर रखे तीसरे हमारे एमएलए श्री लक्ष्मण नापा जी जो रतिया हल्के से एमएलए है, हमारे शहर के मुख्यमंत्री जी के पहले राजनीतिक सचिव आज चेयरमैन है, मेरे भाग्य शायद बड़ा तो मैं हूँ या वो है पता नहीं, तो चोपड़ा साहब बताएंगे। आजकल मैं भी बाल काट के देता हूँ, जी मुझे गाली करके जगदीश जी चोपड़ा, हमारे प्रदीप जी रातुश्रिया, महावीर जी मेरे बड़े अच्छे मित्र थे, भाई थे, मेरे से बड़े थे, हमारा अपना बेटा आदित्य चौटाला, मक्खन लाल जी सिंगला पूरा विधायक, बहुत बढ़िया व्यवहार में भी, दोस्ती में भी, मित्रता में भी सुनते हुए आपके मनीष सिंगला जी हमारे श्री गणेश राम जी के बेटे हैं, मैंने इन्हें भी आमंत्रित करा, उन्हें भी कहा पर गवर्नर तो मंच पे आ नहीं सकते, मेरा उनका बड़ा प्यार रहा है, उन्हीं करके मैं पहले चोपड़ा साहब करके पार्टी में आया था। हमारे दो लोगों को मैं बुला नहीं सका, विनोद शर्मा जी चले गए, राजेंद्र जी देशुदा, बलवान जी डांगरा, मुलदेव जी भामू, श्यामराज जी मेहता, देवेंद्र सोनी, मैं कुछ मुकेश मेहता जी भूल जी मैंने कुछ भामू जी कुछ लोगों को हम बुला नहीं सकते, इसमें मेरी गलती नहीं थी। मंच से मैं अभी पूछने लगा उन्हें क्यों नहीं बुलाए, कहते जी मैं उन्हें कहता रहा, वो लोग कहने के नहीं अभी ठहर जाए, इतने में आपके एमएलए शुरू हो गए, कुछ कायदे हैं नियम है कि जब मेंबर पार्टी में खोले तो फिर दूसरे को नहीं बुलाना चाहिए, तो मैं क्षमा कर रहा हूँ आपके उर्वी भामू और भूपेश मेहता जी को नहीं बुला सकता, पर वो हमारे लिए बहुत आदरणीय है, बहुत हमारे सम्मानित है, मेरे चुनाव में जितना इन्होंने मेहनत करी है कुलदीप बाबू सरन मैं उसे भूल ही नहीं सकता। ये तो बहुत छोटी बातें हैं, मेरा छोटा भाई है, कभी भी कोई बात में इसे कोई मन से ना रखे, मैं शर्मा के साथ थे, कुछ उनकी तरफ से हुआ कुछ इन्होंने इतनी तुम्हारा गलती हुई, तो क्या है भंडारी जी सारे संस्था जिला से कुछ वाल के लिए है, सभी हरियाणा से जो मेरे साथ 30-32 साल से जुड़े हुए हैं एक परिवार की तरह है, मैं कार्यकर्ता भी नहीं कहूंगा, उम्र में जितने छोटे बड़े हैं सभी मेरे कार्यकर्ता साथी दल, बहुत लंबी लड़ाई के बाद समझने लिया था कि ऐसा हो जाता है, कई बार अलग इतिहास बनता है, परमात्मा की मेहरबानी होती है, उनकी रचना थी कि सब ठीक हुआ, 30-32 साल आदमी 5 साल लड़ाई करे 10 साल करे करे ही खेत में 2 साल भी पैदा नहीं तो खेत छोड़ देता, कहता मैं ठेके नहीं लेता। 7 साल चुनाव लड़ा, बात हो गया भजनराज जी के सामने कोई लड़ नहीं रहा, मैं जाके लड़ू कहते कि तू चुनाव लड़ दिया, मेरा खाता नहीं किया, मैं लड़ना नहीं चाह रहा था, मोहन राज जी मुख्यमंत्री बने मुझे रोड़ी लड़ाया जा रहा है, वो भी मेरे खाते में, एक बार चोपड़ा साहब की पार्टी का और नेहरू का समझौता हो गया, पाल जीत के आ गया, हम 10 से 10 आ रहे, उसका भी आ गए, मैं भी आ गया, वो भी कहते हुए चुनाव हार गया, ऐसे ऐसे चुनाव पहले तो लड़ाए फिर कह के हार गया, हृदय रंजीत सिंह 5 चुनाव हार गया, और 5 चुनाव हारने के बाद वो जी टिकट नहीं देंगे, कई भाई बैठे हैं खास करके नामधारी समुदाय के बैठे सदा से कट्टर कांग्रेस सामने खेल के कह रहा हूं, मैं पॉलिटिकल आदमी हूं, मैं समझ रहा था कि राज किसका बनना है, मैं हमेशा कहता था गांव में आते रानिया वाले बैठे हैं कि भाई तो मैं राज में लेके चलूंगा, ये कहने लगे बोले क्या बोल रहा है ये,
पोते को आते गए समझ रहे हैं कि ये यहाँ से जाना जा रहा है। तो मुझे ये नामदारी बहन बूटा सिंह, सूचा सिंह, गुरदीप जी, संतरागर वाले कहने के जो साहब कांग्रेस से ना जाए, मैं क्यों बता कांग्रेस नहीं छाटांगे, मैं चलो कोई नहीं सोचेंगे। राज बीजेपी का बन गया उत्तर दिल्ली में, मुझे लोकसभा का टिकट मिल रहा, सामने कह रहा हूँ सबके सामने, मुझे कहते हैं सात लोकसभा दे रहे, घर टिकट दे रहे आके। अगर मैं जीतता जब उसका वीरेंद्र सिंह का बेटा जो आई है था इस्तीफा दे गया, हमारी बहन सुनीता दुबिल बैठी है, ये आपके नॉमिनेशन फाइल करते हैं, इतने वोटों से आगे इतने से वोट ही नहीं होंगे, 5.5 लाख से आगे जीत के चली गई, तो भाई रंजीत सिंह को जीत जाता, मुझे तब तुम कह लेंगे नहीं जाना। अब जब सारी पार्लियामेंट जीत गई, मोदी जी 350 लेके आगे, तो कहते रंजीत सिंह ये कांग्रेस तो काम नहीं लेके, तो तेरे पास शरारत करेंगे, मैं जहां चला तब तुम नहीं जाने दे रहे थे, अब जब दरवाजे बंद हो गए गाड़ी चल पड़ी तब तुम कहते हैं चलो, अब यूं बेचती नहीं करो, तो पड़े जहां पड़े ठीक है। कांग्रेस ने टिकट काट दिया, मैं खास कर नाम लालियों से कह रहा हूँ, सुन लेना बेटेगा, कांग्रेस टिकट नहीं थे, खिड़की पे जाएंगे थी टिकटें खत्म होगी, कल मालगाड़ी पे जाना तो मैं क्या करूँ बताओ। मैं कह लेगा ठीक है, मैं बीजेपी को गया, सुन लो मेरी बात, मैं खुद ही बात कह रहा हूँ, सीएम साहब को पता नहीं है लगने में तो झूठ हो रहा है बोल रहा हूँ। मुझे 23 तारीख को सीएम साहब का फोन आया, चुनाव हो गए, कहते हैं जो साहब आपको बधाई दे दो, मोदी जब स्टेट का नंबर 1 सीटें मुझे बधाई दे रहे, तो इससे बढ़िया क्या, बहुत मेहरबानी, बहुत धन्यवाद के आप कह रहे, तो मेरी बात पे और मोहल्ला की चुनाव जीत रहा हूँ। फिर कहने लगे अच्छे आदमी हो, आप जैसे लोग हमारे साथ हो तो बहुत बढ़िया, तो मैं समझ रहा कि मुझे क्या कह रहे हैं, मुझे मैं एक बात सुन लो कि अगर कांग्रेस के 60 MLA आ गया और आपके 29 हुए, राज उगर और मैं तो रंजीत सिंह आपके साथ आएंगे, 29 तो रंजीत नहीं तो मैं छोड़ गया हूँ, उसमें नहीं लगता। कहेंगे रंजीत सिंह जी बात सुनते तो मजा गया, एक बार दोबारा फिर बोला, फिर मैंने वो बात बोल दी। अगला कहने लगा जगदीश जी चोपड़ा रखेंगे, ना सीएम साहब ने बताया ना मैंने कहा, मैं कहने लगा जगदीश जी चोपड़ा को भेज दो एफिडेविट लेके आए, साइन कर देता हूँ, गिनती तो कल होगी, 20 बात का इनाम है। बहुत आदमी के प्रधानमंत्री जी के बिना कुछ नहीं होता, 10 दिन तक दिल्ली में बैठे गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, अनिल जी जैन, सारा बीजेपी का स्टेट का सारा इंतजाम, और जब हमारा जी फुर्सत में आए तब वो हमारी सीट के लिए रुले, और उसमें एक ही नाम लिखा गया सातों में, रंजीत सिंह भाई, कितनी कोई छोटी बात है क्या। मैं नामदारी बनाकर से पूछ रहा हूँ, सोने का जी की कोठी बढ़िया कि मोदी जी की कोठी बढ़िया, बताओ ये पुलिस वाले लूट मार रहे ना आपको, सब निकाल बुला रहे हैं, राज है ना 5 साल ढोल बजाओ काम दे, काम भाई ऐसे मामले में थकना, जिस गाड़ी में बस में तेल ही नहीं, चमड़ी नहीं, जिसके टायर पंचर, उसमें क्या करोगे बताओ। इतिहास बता रहा हूँ, हमें पॉलिटिकल आदमी समझ के, अब राजनीतिक आदमी सांस भी कब छोड़ता है कब लेता है ये भी सोच के करता है। मैं मंत्री बना दिल्ली में, सब संघ के दरबार में गया, दरवाजे खुले, रात में नड्डा साहब से मिल गया, प्रधान है लेकिन बनाऊ बीजेपी के खिलाफ बनाऊ, अरे बात मैंने टाइम मांगा था, कल सुबह दिल्ली पहुंचा, टाइम मांगा मुझे उनका टाइम आ गया, मैंने अनिल जैन साहब से टाइम मांगा उनसे आ गया, मेरा हर आदमी मेरी जगह एक क्रेडिबिलिटी बनी है कि रंजीत सिंह जैसा इंग्रेज उस जैसा क्रेडिबिलिटी का कोई आदमी हरियाणा में नहीं है, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है उसका, अंग्रेजों से मैं रोल रहा, इसके लिए मैंने 400% भेजी जाली वैली के लिए, या 50,000 की भीड़ करता हूँ, और आपका प्यार मैं देख रहा हूं, मैं तो दिल्ली में था, मैं कोठी में नहीं था, मैं तो दिवाली वाले दिन रात को आया, अगले दिन सुबह चला गया था, स्टेशन था, उसके बाद दिल्ली चला गया, चोपड़ा था सिंगा था बैठे, मैं थोड़ा काम की थी, उन्हीं का भी
मुझे रात को मैं बुलाता कहते, मैं सब सच्ची बात बोलता हूँ। मैं कह के नहीं आया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि मैं जा रहा हूँ, ईश्वर आप दे रहे हैं, मैं कांग्रेसियों को मुझे कैसे बुलाऊ। अगर आप इजाजत है, मैं सारी बीजेपी को बुलाना चाह रहा हूँ। ये माननीय मुख्यमंत्री जी से परमिशन लेकर बुलाया। दूरा राम जी मेरे सबसे सही मित्र है, हम दोनों की दोस्ती कोई भी नहीं छुड़ा सकता। इनके मैंने खाते बात फोन कर ये मेरे तो रणजीत सिंह परमिशन लो डालो, अगर आपके साथ मंत्री कह भी देता माननीय मनोहर लाल जी की कैबिनेट के, अमित शाह मोदी जी के सरकार के मंत्री हैं, मैं आपके साथ रहूंगा। सारी बीजेपी मेरे साथ सब जगह फतेहबाद से लेके यहाँ तक पूरे स्वागत में सारी हरियाणा की बीजेपी बिठा के बैठे, मुझे अपना जिले का प्रतिनिधित्व मांगे तो भाई इतने सरकार तो आप लोग नहीं होंगे कि उस पार्टी को नहीं मांगे। लेकिन मैं आपसे कल ये करूँ, सुनो मेरी बात, उत्तर प्रदेश में 80 सीट है। मैं थोड़ा आपको अल्ट्रासाउंड बताता हूँ, कराके सरकार को पता लग गया नहीं यार कुछ नहीं है तो छोड़ देना चाहिए। 80 एमपी बनते हैं, एक सोनिया का लिया हूँ, 80 सीटें खाली है, बेटा भी हार जाए तो कोई उम्मीद है क्या तुम्हें? जब बिहार में 40 सीटें, एक सीट भी कांग्रेस की नहीं आई, बंगाल में 42 सीटें, एक सीट भी नहीं आई, और उसके बाद यूपी बिहार बंगाल और तमिलनाडु कोई सीट नहीं आई, जब 217 सीट में कोई सीट भी कांग्रेस ने नहीं हुई सिवाय एक छोड़ के, तो 342 के हाउस में कहां सरकार बनेगी? उड़ीसा में, गुजरात में पिछले 25 साल से कांग्रेस नहीं, जिन स्टेटों में कह रहा हूं उसमें 40 साल से कांग्रेस नहीं, तो ऐसों में तो पकड़े ही बंद हो जाते हैं। देख रहे हैं बेटा, सरकार मोदी साहब की चलेगी, खुलो। मैं इस पार्टी में रहूं नहीं रहूं, ज्वाइन करूं नहीं करूं, इस बात को भी साफ समझ जानी चाहिए। 40 साल तक पहले कांग्रेस थी, अभी 40 साल तक कोई विकल्प नहीं है, केवल केवल भारतीय जनता पार्टी अगले 40 साल तक। जब एक पार्टी चल रही है, आपको इधर देगी, आप क्या गए स्कोर पायलट ट्रेजरी, आपके साथ आप रेस्ट हाउस जाऊंगा, सारे अधिकारी, सारे डिस्ट्रिक्ट, सारे डीसी, एसपी, सारे डीटीसी, सारे वहां बैठे हैं, और माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश है कि रणजीत सिंह आ रहे हैं, पहला उसका विजेता है, स्वागत करो, सुनो, और वो जो लाइन है उस लाइन पे काम करो। इससे ज्यादा तो हम कभी सोचे हुए थे, सारे लाइन चल गया, नहीं बनना चाहिए। अरे आगे कहते हैं परिस्थिति और समय आपकी भूमिका तय करते हैं, आपको समय को समझ के अपना आगे कैरियर बनाना है। मैं बच्चे रूप में लगाऊंगा, मैं बिजली मंत्री हूँ, सुनो मेरी बात, किसी के घर के कूलर पंखे मुझे पूछे जाएंगे ना, रात को 12 बजे चले जाए तो नींद नहीं आएगा ना, रणजीत सिंह याद आएगा, तो बताओ फिर हरियाणा को सोना चढ़ाना तो मेरा काम है ना। तो फिर तुम थोड़ा सा ये समझो कि जब इतना विश्वास करके रणजीत सिंह को दिया है, ये जेल जो है ना, पहले तो बताओ पकड़े नहीं जाते, पकड़े जाए तो इनकी चाबी मैं रखता हूँ शाम को बंद करके, ये भी मेरे पास रहेंगी सारे हरियाणा की। अब जो अच्छे आदमी है जिन्होंने थोड़े पूरी कर ली, थोड़े दिन रह गए, और उनका अगर कंडक्ट अंदर बढ़िया है, वो घर के बिना बच्चों की भी तकलीफ है, ऐसे आदमियों को मैं सीएम साहब जी यही कहूंगा कि इनका कंडक्ट मैं रिकमेंड करता हूँ, इन्हें बाहर भी रखा। तो सब बढ़िया, एक मोटा काम करूंगा कहके जा रहा हूँ, और यहाँ जो भी पुलिस के तरफ से खड़े हैं, डीएसपी है, जो भी ऑफिसर, सुनने मेरी बात, आज कहके जा रहा हूँ, एक हफ्ते के बाद किसी के इलाके में अगर नशा फिट किया तो वो सब सबसे कोई याद नहीं रहने दूंगा। मतलब वो अफसर अपना या तो अपना इलाका संभाले, और अगर वो ये होता है, मैं सुनता हूँ कई लोग शिकायत कर देते हैं कि ये गांव में नशा बेचता है, और वो नशा बेच के जब पकड़ना पड़ता है
तो 3 घंटे बाद उसे छोड़ देते हैं, पैसे लेते हैं, ये काम नहीं होगा तो आज कैसे जा रहे हैं। जो ऐसा करोगा ना वो अपना बिस्तर डाल लेता है, सत्संग नहीं रहने दूंगा, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। नंबर 2, मैं मेरी अपनी घटना बता रहा हूँ। कई बार रात को बिजली चली जाती है और 4 घंटे बिजली नहीं आती, हम फोन करते हैं कहते हैं कि लाइन साफ साफ कट गया, ठीक कर रहे हैं, फिर फोन करते हैं तो फिर अगली बार फोन करते हैं तो फिर छुट्टी उठाते हैं, और फिर फोन करता है कि फिर रात को अपने बाहर लान में ठो बरामदे में कह लो बिजली आती है, रात की फिर सोते हैं जाके। भाई यार मेरी बात सुन लो, सारे अफसर मिलेंगे, मैं रहता हूँ जाऊंगा, सारे अफसर बैठे वहां वहां आज कह के जाऊंगा कि गांव में सरसा शहर में अगर कहीं बिजली की तारे, एक हफ्ते का टाइम दूंगा कि अगर कहीं बिजली की तारे लटकी हुई मिल गई तो एक हफ्ते बाद ऐसी को कह दूंगा वो अफसर वो एससीओ को मैं सस्पेंड कर दूंगा। अगर अगर गांव में किसी के मकान के ऊपर से तारे जाए, मैं सामने कह रहा हूँ पूरे सरसा जिले के, रानी की बात नहीं है, जिसके घर के ऊपर से बिजली की तारे जा रही है, एक हफ्ते में या तो तारे बदलेंगे या वो अफसर बदल दूंगा। मैं बहुत शालीनता से भरा हूँ, जिसमें एक अंग्रेजी का शब्द है कि रंजीत सिंह कल्चर वेल बिहेव्ड सोफिस्टिकेटेड, तो सब क्वालिटी है, पर उसके साथ हथौड़ा भी बड़ा पास रखता हूँ। अगर किसी अफसर ने बेकायदगी कर दी तो एक बार माइल्ड वार्निंग दूंगा, अगर वो नहीं तो उसको कई भी बात हो जाएगा, उसको रगड़ के रख दूंगा, ये मैं आपसे कह के जा रहा हूँ। और महकमे ने देख लिया ना, 1 महीने में मैं नहीं करा, आपके पास आएंगे अखबारों में प्रमुखता से छपेगी कि एक मंत्री है, बिजली मंत्री, जेल मंत्री, उसने तहलका मचा रखा है, ये काम करूं, मैं तो इसी काम के लिए आया हूं। परमात्मा की दया से अखेर हमें जन्म ले लिया, रोटी जो मांगी थी उसने परमात्मा ने उससे भी हाथों में फलतू दे दी और बढ़िया एजुकेशन में दिए। मैं तो कमाने खाने के चक्कर में नहीं हूँ, मैं तो सुधारने के चक्कर में हूँ। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहा करते हैं कि मैंने व्यवस्था बदलनी है, भाई जो मंत्रालय दे देना उसकी व्यवस्था बदलूंगा, और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री देश मिला तब कह के आया, क्योंकि मैं एक बार ये संभाल लू 3 महीने में देख लेना, और 3 महीने में जब परिवर्तन हो जाएगा आप सोचिए थे जिस महकमे का भट्टा बैठा वो चाहे मुझे स्पोर्ट दे दो, चाहे मुझे आपका टूरिज्म दे दो, जहां भी कहीं आपको काम ठीक नहीं था मुझे देना, 1 महीने में बदल के रख दो, तो मैसेज आता है कि कौन आ गया, हमें सरकारें चलाई है, हमें तजर्बा है, हमें अच्छे को पानी पिलाना आता है और बुरे उसके लिए चंडा भी उठा लेते हैं, ये काम भी करते हैं। यहाँ मैसेज क्या होता है किसी आदमी का, कामराज यहाँ एसपी होते थे, आज तक लोग याद करते हैं, कन्नान रुद्रा एसपी होते थे, डीजीपी बन गए थे, आज तक भी लोग उन्हें याद करते हैं कि ऐसे ऑफिसर थे जहां सिपाह से बंद हो गए, जो थाने के दलाल थे वो निकल के चले गए। भाई जब रंजीत सिंह आ गया तो महकमे में मैसेज होगा कब यहाँ ये मामले नहीं करेंगे, ये काम मैं करूंगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। नंबर 2, कोई हमने किसी से जाति नहीं करनी। देखिए प्रशासन जो होता है वो सरकार का अंग होता है, हम लोगों का मन उन्हें बढ़ा देते हैं, करना तो उन्होंने होता है, और उसी हिसाब से करते हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश होते हैं, उन्हें ही हम आगे लागू करते हैं, और उसके बाद जो अच्छे ऑफिसर है हमने किसी की रोटी नहीं छीनी, किसी को खराब नहीं करना, पर अगर देखें कि एक आदमी करप्ट है, गंदा आदमी है, तो वैसे आदमी को हमने रगड़ा भी लगा देना है, तो आप भी कोऑपरेट करें। बाकी मैं अभी कुछ चीजें जो अभी नहीं कहूंगा, मुझे धीरे में सबसे ढूंढ के करा तब से बता देना, मेरा नाम है माननीय मुख्यमंत्री कहना, या तो सस्पेंड हुआ या यहाँ से चला जाएगा, उसे यहाँ सेक्रेटरी में भेज दूंगा, जो बहुत जिसने रूल बताए जो बिना पैसे काम नहीं करे, कि वो किसी को मारे हमारा कोई नहीं, कोई ये काम भी नहीं करना, या तो दे देंगे तेरा तेरी शिकायत दूंगा, ये काम भी नहीं करना, भाई शिकायत वाले की भी सजा मिल जाएगी। नंबर 2, मैं क्योंकि अभी आगे जब कोई भी मंत्री आता है तो पहली बार एक चार्ज होता है, मुझे वहां जाना था,
दिन छिपने के बाद होता नहीं, ये परंपरा एक सेरेमोनियल काम होता है जो सदा से निभाया जाता है। मैंने एक बार ऐसा उठाना है वहां उस काम से दिन छिपने से पहले करना है, उसमें लेट नहीं कर सकता। मैं आपसे थोड़ा सा प्रोमिस करके जाता हूँ कि मैं जो रुका उसका कारण ये था कि आपको सम्मानजनक तरीके से जो मुख्यमंत्री जी से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना था उसके लिए ये मैं रुका। आज आपने जो एक्सरसाइज करी जिसमें एक मेरा है उसमें पूरे सरसा जिले में अगर एक आदमी था तो बीजेपी नेता बीजेपी प्रोग्राम आपके हमारे प्रधानमंत्री जी का, हमारे अमित शाह जी का और हमारे मुख्यमंत्री जी का इतना बड़ा सिर लेके कि रणजीत सिंह बाहर से चल के आए हैं। मुझे तो बहन सुनीता दुग राय धीरे की गई थी कि रणजीत सिंह जी चल रहे हैं। मैं कह रहा बहन जी चलेंगे, मुझे भूटान से भी फोन आ रहे थे शैलजा साहब के, मैंने कोठी पे पूछा था आप सब लोगों से बताओ क्या करूँ निर्णय करना है। आप सारे कह लेंगे आप खड़े करके कि आप जो गाजियाबाद में करना आप लेके आया हूँ ना, अब रानिया में मेरे से काम कराना आगे गाँव में आऊंगा। एमपी को हमारी बहन जी को 5 करोड़ रुपए मिलते थे, अब हमारे मुख्यमंत्री जी इतने मेहरबान रहे थे मुझे भी 5 करोड़ दे गए, आज अलग 5 करोड़ देने लगे मंत्री के तो अलग मिलेंगे। मेरे रेगुलर में जहाँ जाऊंगा बिजली घर लगा दूंगा, जिस गाँव में परमानेंट 12 महीने दिन रात 24 घंटे बिजली रहेगी। मेरे रेगुलर में लड़के लगेंगे वो लगाऊंगा, जहां बिजली कराएंगे लड़के लगेंगे वो लगाएंगे। और इसके बाद एक जो न्यू रिन्यूएबल एनर्जी का जो मुझे मिला है उसमें ये सोलर सिस्टम है, गाड़ियों में 3 लाख रुपया लगता है, खंभे लगा के बड़ा महंगा हो जाता है, सरकार 2 खंभे तो देती है पर उसमें जहाँ इन्वर्टर अपना गाड़ी में जिसमें तकरीबन है सभी लोगों के और उसके ऊपर जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पैसा है सोलर सिस्टम को आगे चलाने के लिए उससे 12,000 उसकी कीमत आएगी, 8,000 सब्सिडी का, 12,000 में खेत में लग जाएगा, 4 पंखे चलेंगे, 1 कूलर चलेगा, 4 बल्ब चलेंगे, 1 पंखा चलेगा और 1 कूलर चलेगा। गाड़ी वाले को तो मैं समझता हूँ इतना बहुत, मैं पूरी कोशिश होगी कि हर गाड़ी तक बिजली कनेक्शन हम देने का काम करें। आज इसके बाद मैं सारे रानी आरते के तो मैं इसी आम तौर करूंगा, मैं शनिवार से शुरू कर रहा हूँ क्योंकि एक बार कल हमारे मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली, हमारी पहली कैबिनेट मीटिंग है, मुझे जाना पड़ रहा है और 2 दिन मैं ऑफिसर्स की मीटिंग लेनी है, मैं मेरा दफ्तर ठीक करके आ जाऊँ। उसके बाद फिर शनिवार इतवार भाजपा फिर मैं क्या दे रहा हूँ 5 दिन पूरा रानी हल्का सा कवर करूंगा, तो मैं 5 दिन मेरा थोड़ा कुछ ले आऊँ, कुछ ले लिया तो आपको गाँव में आओ कुछ दे के ले जाऊँ, ये काम करूंगा। आप निश्चित है 5 साल जो है ना आपका राज का मामला जम गया भाई, मैं रंजीत जो जम गया ना, मैं भी मोदी साहब की आपके हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी की उंगली नहीं छोड़ूंगा, चिंता ना करो कहना ही रहूंगा, वो भी करेंगे मैं भी साथ करूंगा, हमारे बहन जी बैठे हैं या डोबरा साहब जी है डोबरा राम जी खड़े थे, एक बार जैसा मेरा स्वागत करा था सारे एक बार फिर स्वागत करता ये जाएगा नहीं कोई वापस हो जाओ चलो आऊंगा सब ऐसा जी लंबा देख रहेगी सारे आए आपका बहुत धन्यवाद। मेरे बिना उसके आगे रंजीत सिंह आ रहे हैं इसी बात से इतने 15-20 लाख की भीड़ आ गई, मैं सारा उनका अपना हाथ जोड़ के सिर झुका के आपका मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप ही भरोसा करके जाए कि रंजीत सिंह आपने पैदा हुआ, मैं 32 साल मैंने संघर्ष करा, आपने मेरे तकलीफ को तक में साथ दिया, एक भी वर्कर कोई भी हो कभी भी आ जाए आज ही आज मैं आपके लिए हाजिर रहूंगा, कभी भी चाहे वो बिना नाली हल्के के चाहे कालावी का है चाहे डगवाड़ी का है चाहे अलाहाबाद का, अपने वहां के MLA से जो बीजेपी का चुनाव लड़ा है उसका ध्यान रखें, उससे नाराज नहीं करें। और भाई उसके बाद रंजीत सिंह क्या है उनका भी मैं काम करूंगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ जिले में एक भी आदमी ऐसा नहीं बस इसका काम नहीं, 24 घंटे आपके लिए हाजिर रहूंगा, आपका भाई बन के आपका साथी बन के आपका सरकारी अधिकारी बन के
मैं आपके भी आ रहा हूँ, आपका बहुत धन्यवाद। जय कदरी रंजीत सिंह।